दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में ऐसी कई प्रक्रियाओं को देखा होगा, लेकिन उसमें आपने ये नहीं पहचाना होगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। आइए उन्हें देख लेते हैं। हमारे शरीर द्वारा भोजन को पचाना, सांस लेना, अन्य जैव प्रक्रियाएं, दूध दूध से दही या पनीर का बनना, अंगूर का किण्वन, लोहे में जंग लगना, ये सभी में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इन सभी उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति और पहचान में कुछ बदलाव आया है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। इसे पहचानने के कई तरीके हैं। जैसा कि हमने पिछले पृष्ठ पे भी देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, साथ ही अन्य कई अभिक्रियाओं में गैस उत्सर्जन हो सकता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ सकता है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, आवाज या रोशनी भी निकल सकती है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की यह सब पहचान सही बैठ रही है या नहीं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में चमकदार श्वेत लौ दिखाई देती है। तो इसमें हमारी एक पहचान सही बैठ रही है कि अभिक्रिया में रोशनी निकल रही है। रिबन एक श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, तो इसमें उसकी अवस्था भी बदल रही है। एक और उदाहरण देखते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही पारदर्शी श्वेत विलयन है, लेकिन इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? एक पीले रंग का अपारदर्शी अविलेय पदार्थ बनता है, जिसे कि हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरणों पर। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि समीकरण लिखते कैसे हैं, वो क्या चीज होती है और उसका संतुलन कैसे किया जाता है। तो पिछले दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि किसी भी अभिक्रिया का विवरण करना बहुत ही एक लंबा काम हो रहा है। इसको छोटा करने का तरीका है समीकरण लिखना। समीकरण कई तरीकों से लिखा जा सकता है, इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं शब्द समीकरण। ये सबसे सरल तरीके का समीकरण है। इसमें हम यौगिकों के नाम उनके शब्दों में लिखते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, हमने जो जो भी दोनों उदाहरण देखे हैं उन दोनों की मैंने समीकरण लिख दिए। इसमें बाईं ओर अभिकारक आते हैं और दाईं ओर उत्पाद आते हैं। अभिकारक वो पदार्थ होता है जिसमें रासायनिक परिवर्तन आया है, उत्पाद वो होता है जो कि अभिक्रिया से निर्मित हुआ पदार्थ है, और उन दोनों के बीच में एक तीर होता है जो कि अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। शब्द समीकरण का, या कहें तो किसी भी समीकरण का प्रारूप यही होता है कि अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को उनके बीच एक तीर से दर्शाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार होता है। अभिकारक या उत्पाद अगर एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये दर्शाता है कि दो अभिकारक मिले हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिले हैं, या फिर दो या दो से अधिक उत्पाद बने हैं। तीर का सिरा हमेशा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अब चलते हैं थोड़े से कठिन तरीके के समीकरण पे, जो कि रासायनिक समीकरण है। ये कठिन तो है लेकिन ज्यादा उपयोगी है। रसायनों के नाम लिखने की जगह हम उनके सूत्र लिखते हैं, तो इससे शब्द समीकरण का और भी छोटा रूप होता है और इससे समीकरण और छोटा हो जाता है। जैसे कि पहले उदाहरण का यहां पर रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, Mg plus O2 बनाता है MgO। अब आप देखिए, इसके बाईं तरफ मैग्नीशियम की संख्या एक है और दाईं तरफ भी एक है, परंतु ऐसा ऑक्सीजन के साथ नहीं है।
इसमें बाई तरफ संख्या दो है परंतु दाई तरफ एक है, ऐसा किसी असली रासायनिक अभिक्रिया में नहीं हो सकता, क्योंकि संतुलन हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। जितने परमाणु किसी भी तत्व के बाई तरफ हो उतने ही दाई तरफ होने चाहिए। तो ये जो समीकरण हमने लिखा है ये असंतुलित है, अब इसका संतुलन करना होगा। यदि यह संख्या हर तत्व के लिए समान हो तो समीकरण संतुलित होता है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। तो इसे जब हम समीकरणों पर लगाएं तो हम पाते हैं कि जो संख्या हर तत्व के परमाणुओं की अभिक्रिया के बाई तरफ होती है वही अभिक्रिया के दाई तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जितने परमाणु ने अभिक्रिया की उतने ही वापस हमें मिलने चाहिए। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उदाहरण ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से मिथेनॉल का बनना। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ अलग अलग है। संतुलन करते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि यौगिक के सूत्र को हमें नहीं बदलना है, केवल यौगिक के कितने मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं बस इसे ही हम बदल सकते हैं। सुविधा के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस यौगिक में सबसे ज्यादा परमाणु है उससे हम शुरुआत करें। इस अभिक्रिया में CH3OH में सबसे ज्यादा परमाणु है तो उसे हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। अब दोनों तरफ देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु कितने कितने हैं। अभिकारकों में दो हैं और उत्पादों में चार हैं। अभिकारकों में हाइड्रोजन केवल H2 में है, तो अगर हम H2 के दो मोल लेते हैं तो अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या चार हो जाएगी और अभिकारकों में और उत्पादों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। तो ऐसा करने के बाद अभिक्रिया संतुलित होती हुई नजर आ रही है। ये आप अभी संतुलित अभिक्रिया देख सकते हैं। संतुलन करने के बाद हर पदार्थ के आगे उसकी अवस्था भी दर्शाई जाती है। जैसे गैस के लिए G, ठोस के लिए S, तरल के लिए L, जलीय विलयन के लिए AQ, इस सब को हम ब्रैकेट में उस पदार्थ के आगे दर्शाते हैं। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तक विज्ञान के अध्याय एक पर आधारित था। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप कोयला की मदद से बाकी भी पाठ पढ़ें।